हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सिंप्लीफिकेशन का आपको दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, इसके पहले वाला पार्ट आप जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो सब सीक्वेंस में आ रही हैं, ठीक है। मेरी सारी वीडियोस सीक्वेंस में चल रही हैं, तो एक एक करके आप सारी चीज़ों को समझते चलो। जो अगले सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, उन्हें समझाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी, उन्हें आप ध्यान से समझ लो। अब देखो, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, यानी कि दशमलव और भिन्न के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को समझो कि ये 2 6/7 लिखा है मैंने यहाँ पर, 12 4/8 लिखा हुआ है, ये होता क्या है? ये फ्रैक्शन होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 6/7 मैंने लिखा है, 12 4/8 लिखा है, इनको इस तरह, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इन भिन्नों को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ बीच में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ बीच में प्लस का साइन होता है, और ये प्लस का साइन मैंने अभी अभी आपको बताया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर भी क्या लगा होता है, प्लस का साइन होता है, तो ये आपने लगा दिया कौन सा साइन, प्लस का साइन लगा दिया। मतलब अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, 7 × 14 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 और 6 हो जाएंगे आपके 20/ कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इन दोनों का गुणा करना है और इसको जोड़ देना है, इन दोनों का गुणा इसको जोड़ दो, तो 7 × 14 14 में हमने 6 जोड़ दिए, तो 20/ कितना आ गया, 7 आ गया। ऐसे ही 7 × 14 14 और 6 कितने होते हैं, यहाँ पर भी कितने होते हैं भाई, 20 होते हैं, बटे मैंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। मैंने लिखा है 12 4/8 लिखा है, मुझे पता है बीच में साइन किसका होता है, प्लस का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 12 8 कितने होते हैं, 96 यानी 96 में मैंने 4 जोड़ दिया, 96 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर लो, 12 8 96 96 में 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 के नीचे आप क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। अब इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी आप इसको सिंप्लीफिकेशन में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उस टेक्निक को देखो। मुझे क्या करना है, 5 इन दोनों का पहले गुणा करूंगा, ये जोड़ दूंगा, इन दोनों का गुणा करूंगा, इसको जोड़ दूंगा, तो कर दो यहाँ पर, 5 × 10 10 और 1 कितना हो गया, 11/5, यानी कि ये तो हो जाएगा भाई 11/5, इसका मुझे गुणा करना है किसमें, 11 × 22 22 और 1 23 23/ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 23/ हो जाएगा 11, 11 से 11 को काट दो, यहाँ कितना बचेगा, 23/ कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक से चीज़ें हैं, इनको समझना लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी यही चीज़ अप्लाई होती हैं। अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर करना है, इन दोनों का गुणा इसको जोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा इसको जोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ दो यहाँ पर, 7 3 कितने होते हैं, 21 21 और 1 22/7 हो जाएगा, तो ये तो हो गया भाई 22/7 हो गया। इसका गुणा हम लोग किस में कर देंगे, इसका गुणा अपन को करना है 1 3/22 में करना है, तो 22 1 22 22 और 3 कितने हो गए, 25, ये हो जाएगा 25/ क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 22 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, भाग का साइन लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है भाग का साइन, ठीक है, इसको कर लो, 2 1 2 3 ये हो जाएगा 3/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इसको और कैसे कैंसिल, कैसे सॉल्व कर लेंगे, देखो भाई पहले तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अब इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैंने लिखा भाई यहाँ पर 22/ क्या लिखा है, 7, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा भाई, 25/ मैंने क्या लिखा है, 22 लिखा हुआ है। इसको ध्यान दो, सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी भाग के बाद में कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, भिन्न में कोई चीज लिखी हुई है, भाग के बाद यदि कोई चीज भिन्न में लिखी हुई है, तो क्या करो, इस भाग के साइन को पलट कर आप इसे क्या कर दो, गुणा का साइन लगा दो, आप इस भाग वाले साइन को हटाकर गुणा के साइन को लगा दो, और ये जो फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में जो आपको संख्या दे रखी है इसको पलट दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, 22 से 22 को काट दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, 25 × 2 कितना हो गया, 50 हो गया, 50/7 3 कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है, 50/ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इस तरह से वीडियो को देखना बार बार आ जाएंगी सारी चीज़ें। चलो इसको देखो जरा ध्यान से, अब इसके बाद में मैं कुछ दशमलव वाली चीज़ों को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो,
0.2 दिया है, तो करना क्या है मुझे यहाँ पर, दशमलव जहां लगा हुआ होता है, दशमलव जहां लगा हुआ होता है उस दशमलव को हटाकर हम लोग क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। जब आप इस दशमलव को हटाओगे तो उस दशमलव की जगह पर एक लिखोगे, और दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, यानी कि एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, फिर से समझो इस बात को अच्छे से, 0.2 दे के रखा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2/ क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, दशमलव को हटाओगे एक लिख दोगे, इस दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उतने शून्य लगा दोगे, उतने जीरो आप लगा दोगे। दशमलव के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो लगा दोगे, दशमलव के बाद में दो संख्या है तो दो जीरो लगा दोगे, दशमलव के बाद तीन संख्या है तो तीन जीरो लगा दोगे। ठीक है, इसको देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ भाई 125/ कितना लिख सकता हूँ, दशमलव हटाऊंगा तो एक लगा दूंगा, इस दशमलव के बाद में कितनी जीरो है, दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो मैं क्या लिख दूंगा, जीरो लगा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 13.624 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसे क्या लिख सकता हूँ, 13, 6, 2, 4। अब देखो जरा ध्यान से, दशमलव हटाऊंगा एक लिखूंगा, सबसे पहला काम ये कर दिया करो, दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1, 2, 3 संख्या, तो क्या लगा दूंगा, 1, 2, 3 जीरो आप लगा सकते हो। ठीक है, इतनी समझ में आ गई होगी बात। अब इसका जस्ट उल्टा हम लोग करने वाले हैं, 1/ मुझे 100 दे के रखा है, 1/100 दे के रखा है, इसे मैं कैसे निकालूंगा, इसे निकालने के लिए मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 0. कितना लिख दिया मैंने, 0.1। अब इसे ध्यान से समझना, कितने जीरो हैं यहाँ पर, दो जीरो हैं, तो दशमलव के बाद में दो संख्याएं आएंगी। फिर से सुन लो, यहाँ कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो ध्यान रखना दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं आएंगी, दो संख्याएं आएंगी। अच्छा, आपका ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस एक को लिखेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि दो संख्याएं आएंगी, तो पहली संख्या तो आपने इस एक को लिख दिया, और दूसरी संख्या किसको लिखूंगा मैं, जीरो को लिखूंगा। ठीक है, और देखो फिर मैंने यहाँ पर लिखा भाई 1/1000 दिया है, इस 1/1000 को मैं कैसे लिखूंगा, भाई तीन जीरो है, कितनी जीरो दे के रखी है मुझे यहाँ पर, तीन जीरो मुझे यहाँ पर दे के रखी है। मैं क्या करूंगा इसके लिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, दशमलव लगाना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे दशमलव लगाना है, जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है, यानी कि जैसे ही मैंने इस पॉइंट को लगाया, इसके बाद में मुझे कितनी संख्याएं चाहिए, तीन संख्या, 1, 2, 3। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक लिखूंगा, इसके बाद तो मुझे कोई संख्या नहीं दी, नहीं दी तो यहाँ जीरो जीरो, और दशमलव के पहले तो मुझे लगाना ही पड़ती है एक जीरो को। सीख गए, और देखो जरा ध्यान से, ये बहुत ईजी चीजें होती हैं, समझना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर लिखा है 23/1000 लिखा है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे कन्वर्ट करने के लिए, इसे बदलने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप इसे अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो मैं इस दशमलव को लगाऊंगा। ठीक है, इसे मैंने ये यहाँ पर क्या लगाया, पॉइंट लगाया। अब इसके बाद देखो, इसको मैंने जैसे ही लगाया यहाँ पर, इसके मुझे कितनी संख्या चाहिए, दशमलव के बाद में तीन शून्य है, तो तीन लिखूंगा, 1, 2, 3। यहाँ पर कितना लिखा, 23, सबसे पहले मैं लिखूंगा 3, फिर उसके बाद किसकी बात की है, 2 की बात की है। अब कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं, 0, और दशमलव के पहले मैं 0 लिखूंगा ही। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी बेसिक्स चीज़ें आप सीख चुके हो, ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण जब आप करते हो तो इन चीज़ों का समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को नोट कर लो, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूँ। चलो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, करो इसे सॉल्व एक बार। चलो, कितना दिया है, 4 × 3 = 12, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 14/3। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिवाइड रहता है, भाग का साइन रहता है, उसको लिख दिया करो गुणा उसकी जगह, और आगे जो भी संख्या दी रहती है उसे पलट दिया करो, तो कितना हो जाएगा, 11/ कितना हो गया, 6 हो गया, गुणा में कितना दिया है, 2/ कितना दे के रखा है मुझे, 22, बराबर 4 × 4 = 16 और 1 = 17, 17/ कितना हो गया, 4, और 7/ कितना हो जाएगा, 9, इंटू में 3/ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 हो जाएगा। इसके बाद देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, 11 से काटोगे तो 2 टाइम कट जाएगा ये। ठीक है, ये 2 टाइम कट गया। अच्छा, इसके बाद देखो जरा यहाँ पर क्या क्या काट सकते हैं हम, 3 से किसको काट दो, 3 टाइम काट दोगे यहाँ पर, फिर ये जो 3 बचा है, 30 से इसे कितने टाइम काट दोगे, 2 टाइम, 2 से इसे कितने टाइम काट दोगे, 7 टाइम, यानी कि और 7 जो बचा है, 7 से 7 को काट दोगे, तो कितना बचा है, 2/y बचा हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 17 × 51 कितना बचा है, 14 × 4 कितना होता है, 56 होता है, 2 से काटूंगा इसको कितना हो जाएगा, 28, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51/ कितनी आ जाएगी, 28 आपका क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखता हूँ।
चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से एक बार। अब देखो, 7 × 2 = 14, 14 + 6 कितना होता है 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 7। ऑफ हिंदी में ऐसे बोलते हैं का, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 5। मैंने बताया था भाग के बाद कोई भिन्न देके रखा हो उसे पलट दिया करो, तो ये इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, गुणा, गुणा का साइन लगा दूंगा और ये कितना हो जाएगा 3/2। और एक और देके रखा है मुझे यहाँ पर, कितना 9 × 1 = 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/2, कितना होगा 9 होगा। फिर यहाँ पर कितना लगा है, भाग का साइन लगा है, लगा दो यहाँ पर, कितना दिया है 3/2 मुझे देके रखा है 2, और गुणा में 3 × 2 = 6, 6 और 2 कितना होता है 8/2, कितना हो जाएगा 3 होगा, 8/2 कितना होगा 3 होगा। ऑफ की जगह पर मुझे क्या लिखना है, गुणा लिखना है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा। भाग दिया है तो भाग की जगह क्या लगा दूंगा, गुणा, इसको पलट दूंगा कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, इसको लगा दो इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जल्दी से कैलकुलेशन करो ऐसी, 7 से काटूंगा 7 से 3 टाइम कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो 4 टाइम कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, अच्छा और भी कट रहा है कहीं से, या 2 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 5 टाइम कटेगा यहाँ पर ये, ठीक है। ये 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9, 9 से मैंने इस 9 को काट दिया, ये 4 और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर बचा हुआ है 5, ठीक है। 5 से काट दिया, 5 से 4 टाइम काटा था वो बचा हुआ है, तो कितना बचा है 5 × 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बचा हुआ है 20, इस 20 के भाग में मैं 20 के बाद में डिवाइड लगा दूंगा, कितना लगा दूंगा डिवाइड, इसके बाद 3/2 दिया है, ठीक है। 3 से पहले 3 को काट दो, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 से 4 को मैं काट दूंगा, बचेगा 8, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, बस अब आपका आंसर आ गया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 20/8 और यहाँ पर हो जाएगा 5/4, आपका क्या होगा आंसर होगा, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, अच्छा इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले है ना, आप इन चीजों, इन बेसिक्स को देखो जरा, परसेंटेज यानी प्रतिशत लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में यूज हो रही है चीजें उनको थोड़ा समझने के लिए कुछ चीजों को समझाना जरूरी है। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है 5%, 5% का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज के भाग में क्या लगा देते हो, 100 लगा देते हो। मैंने बोला 3%, तो आप क्या बोलोगे 3/100 हो गया। मैंने बोला 4%, तो 4/100 कर दोगे। मैंने बोला 10%, आप 10/10 क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। 23% का मतलब होता है 23/100। 13.5, अब दशमलव की बात कर रहा हूं मैं, 13.5% का मतलब क्या होता है, 13.5 कितना हो जाएगा 100। ऐसा का ऐसा उतार दो, बटे में कितना लिख दो 100, हर बार लिखना है। एक चीज और ध्यान रख लो, यहां पर क्या करते हैं, ये जो आपने को दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को हटाओगे, दशमलव को हटाओगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या दे के रखी है, एक संख्या दे रखी है, दशमलव के बाद एक संख्या दिए तो एक ही 0 लगा दूंगा और दशमलव को हटा दूंगा, ठीक है। नहीं आई बात तो यहाँ आ जाएगी समझ में, 19.53% की बात कर रहा हूँ, तो 19.53% का मतलब हमेशा मुझे नीचे क्या लिखना है, 100 लिखना ही लिखना है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो दशमलव को हटाऊंगा और दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0 नीचे बढ़ा दूंगा, आ गया समझ में। यानी कि दशमलव के बाद में जितनी संख्या है उतने 0 नीचे आप ऐड कर दिया करो, ठीक है। चलो इसको देखो, ये प्रतिशत में दे के रखा है, इसको कैसे लिखूंगा, 7 × 14 मुझे पता है, 7 × 14 और एक 15/7, यानी कि क्या लिख दूंगा 15/7, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/ कितना होता है 100 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ 15/700, इसे क्या लिख दूंगा मैं सीधे 15/700 हो जाएगा, ये 15/700 सही हो गया, ये काटना है तो काट सकते हो उसे। 11, 11 + 66 = 66, 66 + 3 कितने होते हैं 69, ठीक है। बटे कितना, अच्छा ये प्रतिशत में था ना, प्रतिशत का साइन तो लगाना ही भूल गया मैं, अच्छा 69/ कितना हो जाएगा यहाँ पर, नीचे कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 में गुणा कर दो 100 का, तो इतना हो जाएगा 600 अपना, ठीक है। फिर से समझ लो, नहीं आई बात समझ में, तो 11 + 66 यानी 66, 66 में मैंने 3 जोड़ दिए कितने हो जाएगा 69 हो जाएगा, और बटे में कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 को तो ऐसा रखूंगा, और गुणा में मेरा कितना होता है 1/100 चलता है, प्रतिशत का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 69/ कितना हो जाएगा 600,
ठीक है, 69 बटे कितना हो जाएगा 600। ऊपर कैसे किया था, 7 × 2 = 14 और 1 = 15, 15 बटे कितना आ गया था 7, गुणा में 1/100 था तो 100 का गुणा यहाँ कर दिया मैंने, 15/700। अब ये चीज़ें बड़ी आसान है, ठीक है, चीज़ें बड़ी आसान है, इसको आप कर सकते हो। एक और चीज़ देख लो, जैसे मान लो मैंने 12 × 1 कितना लिखा है 7 लिखा है, ठीक है, इतना प्रतिशत मुझे निकालना है, क्या करूँगा, 12 × 7 कितना होता है 84 और 1 = 85 यानी कि 85 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा इसको मैं 85 कितना लिख दूंगा मैं इसे, इसको लिख दूंगा मैं 700, 85/700 लिख दूंगा मैं इसे, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब आपको समझ में आ गई हैं तो फिर इन क्वेश्चंस में ज़्यादा दम नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी बोलो 70% निकालना है, मैंने बोला है 70%, 70% का मतलब 70 कितना लिखना है मुझे 100 लिखना है, गुणा कर दूंगा किस में, मैं यहाँ पर 980 में, ऑफ हिंदी में बोलते हैं हम इसे का, ठीक है, का लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब होता है गुणा 980 और प्लस कितना लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर 30 बटे कितना हो जाएगा 100, ऑफ का मतलब गुणा कर दिया मैंने यहाँ पर, कितना दिया है 450 प्लस 80 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, इसका मतलब होता है भाई गुणा, तो 480 यहाँ पर भी मैंने कर दिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आपका आंसर आ जाना चाहिए, 10 से मैंने 10 काट दिया, इस 0 से 10 काट दिया, 87 जा कितने होते हैं 56 का 6 हो जाएगा 5 यहाँ जाएगा, 97 जा 63, 63 और 5 कितने होते हैं 68 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, देख लेना कैलकुलेशन अच्छे से, 78 जा 56 का 6, 5 यहाँ जाएगा, 97 जा 63 और 5 भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये 0 से 0 को काट दो, 45 दिया होते हैं भाई 135 होते हैं प्लस, इसके बाद में 0 से 0 को काट दो, 64 का 4 6 लगेगा यहाँ पर, 8 × 32 और 6 हो जाएगा 38, अब कुछ भी नहीं करना, जोड़ दो इसको कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 5 × 4 कितना हो गया 9 और 6 कितना होता है 9 और 6 हो गया 15 का 5 लगेगा 1, 8 और 1 9 के बाद 3 12 और 8 20 का 0 लगेगा यहाँ पर 2, 3 × 2 = 5 6 और 6 कितना हो गया 12 × 5 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में यही लगे गड़बड़ वगैरह तो कर लेना, तरीका यही होता है सॉल्व करने का, ठीक। चलो इसको देखो जरा ध्यान से, कितना लिखा हुआ है ये 21/47, ये दिया है 21 मुझे दे के रखा है 47, मुझे पता है भाग के बाद भिन्न दे के रखा है तो उसको मैं पलट दूंगा, ये लिख दिया मैंने इसकी जगह पर गुणा का साइन, यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर 376 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा किस में करूंगा 142 में, कितना दिया है 2149 लिखे रहने दूंगा 39, यानी कि 39 कितना हो जाएगा 100 और 100 का गुणा किस में हो जाएगा इसमें, मतलब 39 का गुणा किस में दिया 600 में बटे ये देके रखा है, क्या करना है मुझे डिवाइड कर दो 21 से, भैया 8 टाइम जाएगा, 8 से कितने टाइम काटूंगा 8 चौक होता है ये 32 होता है 56, 87 जा 56 47 से 47 को काट दो, ये पूरा कट गया बचा 142, यानी कि ये तो पूरा साफ हो गया एरिया, पूरा खेल खत्म, सिर्फ बचेगा यहाँ पर कितना 142 प्लस कितना बचा है यहाँ पर ये 2149 और माइनस का इन 0 से इस 0 को काट दिया मैंने, ठीक है, 9 चौक कितने होते हैं 9 चिंग कितने होते हैं 54 का 4 5 लगेगा 6 × 3 = 18 और 5 कितने होते हैं 23 हो गए 234, इसको जोड़ दो बस, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, इसको आप जब जोड़ोगे 142 को जोड़ दो 9 × 2 = 11 का 1 4 × 4 = 8 और 1 = 9 = 2 और ये 22 91 में से कितना माइनस कर दो 234 को घटा दो, ये 234 दिया है 234 को जब आप घटाओगे तो ये बच जाएगा 7, ये बच जाएगा 5, ये बचेगा 0 और ये बचेगा अपने पास 2, तो 20 और कितना बचेगा अपने पास में 2057, ये अपना आंसर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, तो ये अपना आंसर यहाँ पर आना चाहिए, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से क्या कर लो नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश किया करो इसे सॉल्व करने की। चलो देखो जरा ध्यान से, यहाँ लिखा है 12.5% लिखा हुआ है, ठीक है, किसका गुणा करना है मुझे इसमें 5440 में मुझे गुणा करना है, ध्यान से देखो 125 दिया हुआ है यहाँ पर और दशमलव दिया हुआ है, प्रतिशत का मतलब होता है डिवाइड में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे, प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होता है बटे में आप 100 कर दोगे और दशमलव का जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, इसमें मैं गुणा कर दूंगा, इसमें गुणा कर दूंगा किसका 5440 इसमें कर दूंगा, 14 × 7 होते हैं 98, 98 में 2 जाएगा, 98 में 2 जोड़ूंगा मैं कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, 100 बटे प्रतिशत को हटाऊंगा तो कितना होगा 700, 2940 आएगा प्लस
छः चौक 24 और एक कितना होगा 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 4, प्रतिशत डिवाइड में कितना आएगा 400, यानी कि इतना हो जाएगा 400, प्रतिशत का मतलब भाग में 100 लगा दिया करो तो 4 है ही, 400 बन जाएगा, गुणा कर दूंगा मैं किसका 2240 का गुणा कर दूंगा। अब ध्यान से देखो जरा इसमें क्या करूंगा मैं, 25 से मैं इसे 5 टाइम काटूंगा, 25 से 40 हो जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, 4 एकम 4 14 बचेगा, 4 तिया 12 और 100 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 136। अब एक काम करो, 136 का करना है पहले 100 का गुणा कर लो, 100 का गुणा 500 में, 100 का गुणा 5 में करूंगा तो कितना बचेगा 500 बचेगा, 36 का 5 में करूंगा तो बचेगा 180, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये हो जाएगा 680, कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा। इतने पूरे को मैंने जो सॉल्व किया है, इतने पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया 680 आ गया। अब मैं